हेलो एवरीवन। तो देखिए, मैं दोनों इंडेक्स में, एक में गैप अप और एक में फ्लैट और गैप डाउन सा गैप ओपनिंग देखने को मिली है। और अभी मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट ओपन होते ही हमें यहाँ पर सेलिंग दिखाई दे रही है। देखते हैं, वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देने का वेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करेंगे। देखिए, मार्केट अभी पुट का ट्रेड अच्छा एक बन सकेगा यहाँ इस वाले हाई को। ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है 43,877 का, इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहीं से कहीं 43,882 या 86, मैक्सिमम 90 तक जाना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें एक सेलिंग या फिर हो सके तो ज़्यादा सेफ एंट्री पुट के लिए हमारी रहेगी 900, 910, 912 के आसपास। तो अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्शन बनाता है तो हम यहाँ पर 910, 912 के आसपास पुट की एंट्री बना सकते हैं। तो वेट करिए, अभी तो हम इंतज़ार ही करेंगे, उसके बाद फिर पोजीशन बनाने के बाद फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। हेलो एवरीवन। तो देखिए, अभी हम पुट का ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्शन उस हिसाब से नहीं बन रहा है जो हम चाह रहे हैं। तो थोड़ा एक बार प्रोजेक्शन वैसा बन जाए तो फिर मैं पुट में एंट्री बनाऊंगा। पुट के प्रीमियम ऑलरेडी 10 रुपये मिस हो चुके हैं हमारी एंट्री प्राइस से। यहीं कहीं एंट्री करना मैं चाह रहा था, 270 के आसपास। वेट करते हैं, अभी दोबारा प्राइस आता है तो फिर हम एंट्री बनाएंगे। अभी देखिए, दोनों ही इंडेक्स उल्टा ही बिहेव कर रहे हैं। निफ्टी में बाइंग साइड का मोमेंटम आ रहा है और बैंक निफ्टी में हमें यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो वेट करते हैं, प्राइस हमारा मिलेगा तो ही हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे। बताता हूँ मैं आपको एंट्री लेने के बाद। हेलो एवरीवन। तो देखिए, हमने यहाँ पर पोजीशन बना ली है, 9:26 की कैंडल पर हमने पुट में एंट्री बनाई है और 294 में हमने बाई किया है। अभी 295 के आसपास चल रहा है और हमारी पोजीशन में अभी कोस्ट टू कोस्ट चल रहा होगा। तो देखिए, एंट्री तो मैं 270 के आसपास लेना चाह रहा था, बट अब वही बात की ट्रेड ट्रेड मिस ना हो जाए, फोमो वाली बात को लेकर हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमारा ठीक ठाक है 60 पॉइंट के आसपास। और 60 पॉइंट अगर उतना हमें लॉस दिखाई देता हमारी पोजीशन में तो हम उसको एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज हमने अब एंट्री बना ली है तो अब हम टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए वेट करेंगे। ठीक है, उतना ही हमारा टारगेट रहने वाला है, 50 से 60 पॉइंट के आसपास, 1:1 के आसपास। और अगर दिखेगा कि ये टारगेट बड़ा किया जा सकता है तो 70.1000 के आसपास हम वेट कर सकते हैं। तो ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा हम प्रॉफिट में आ जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी तो ठीक है, वेट करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। हेलो एवरीवन। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर पुट साइड की एंट्री को बनाई है। देखिए, पुट साइड की एंट्री बनाने का यहाँ पर रीज़न बड़ा सिंपल सा है। निफ्टी में हमें यहाँ पर थोड़ा गैप डाउन और हाँ गैप डाउन देखने को मिला था, और गैप डाउन जो था, गैप डाउन ये जो कल का जो फ्राइडे का लो है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ मार्केट यहाँ पर अपर साइड भागता हुआ चला गया निफ्टी के अंदर। और ये जो यहाँ पर छोटे मोटे लेवल बना रखे हैं, ये जो हाई बना रखे हैं, इसका मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। तो मैं यहीं कहीं पर एंट्री बनाना चाह रहा था 9:19, 20, 21 मिनट के आसपास, लेकिन जो प्राइस मैं चाह रहा था वो मुझे मिला नहीं, तो फिर वो एंट्री वहाँ पर हो नहीं पाई। और उसके बाद फिर हमें थोड़ा प्राइस हमें थोड़ा गलत मिल गया, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। 294 पे हमें मिला, 280 के आसपास भी मैं उसको बाय कर लेता, बट प्राइस भागता ही चला जा रहा था। ठीक है, 80 से 85, 90 ऐसे हो गया, तो फिर 294 पे जाके मैंने कहीं एंट्री बना ली। ठीक है, तो एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि वहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे थे और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। यहाँ पर भी जो मार्केट ने ये हाई बना रखे हैं, इसका मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, और ये जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पुट की ट्रेड बनाई है। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेड लेने का रीज़न समझ में आया होगा, पुट पुट में हमने एंट्री क्यों बनाई है।
इस कैंडल पर हमारी एंट्री हुई थी 9:26 पर, और अभी हमारी डायरेक्शन में 40-30 पॉइंट के आसपास मूव आया हुआ है, और प्रीमियम में हमारे कुछ 100-200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, इसके ब्रेकडाउन तक का हम वेट कर सकते हैं और 100 पॉइंट्स हमारे पूरे हो जाएंगे। तो वेट करते हैं, बताता हूँ क्या होता है। अभी तो 150 के आसपास, 100 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, बताता हूँ मैं आपको टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस होता है। हेलो एवरीवन, तो देखिए अभी मार्केट में यहाँ अच्छी सी बड़ी सी रेड कैंडल बनी है हमारे डायरेक्शन में। हमारे अगेंस्ट में मार्केट ने 20-30 पॉइंट मूव किया और 150 के आसपास, 150 रुपीज़ के आसपास हमने लॉस भी देखा। अभी हमारी पोजिशन में कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। तो यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी 9:26 के आसपास, वहीं पर मार्केट घूम रहा है अभी। तो अभी फॉल आ जाना चाहिए, मार्केट ने अच्छे खासे बायर्स को बिठा दिए हैं। तो वेट करते हैं और फिर अपडेट देता हूँ मैं आपको। अभी माइनस में आ गए हम दोबारा से, खैर कोई बात नहीं, वेट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो देखिए अभी मार्केट में बहुत ही भयानक मूव आया हुआ है, और जिसने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा कॉल साइड में, उसकी यहाँ पर हो गई लंका। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्या हुआ। हमारा बहुत ही बड़ा पोपट कट चुका है, पोपट इन द सेंस कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज हमने 683 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। स्ट्राइक प्राइस ने हमारी 372 के आसपास भी हाई लगाया था। अगर हम चार्ट में देखें तो, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा स्पाइक आया हुआ था, 79-80 रुपीज़ के आसपास स्पाइक आया हुआ था, लेकिन उस स्पाइक में मैं बुक नहीं कर पाया, वो स्पाइक गया। और जब तक मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करता और दोबारा इसको मैं सेल करता, तब तक प्राइस जो है वो डाउन आ गया था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एग्जिट करना सही समझा, बिकॉज़ यहाँ पर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 19,500 के लेवल का भी ब्रेकडाउन हो चुका है, और देखिए यहाँ हमारे सपोर्ट से एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हो सकता था मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा हमें परेशान कर दें, लेकिन एक अच्छा फॉल आया और बहुत अच्छा फॉल आया, हमने अच्छा ट्रेड यहाँ पर कैप्चर किया। लेकिन ठीक है, जितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हम नहीं बुक कर पाए बिकॉज ऑफ अब वो जो भी आप बोले ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को लेकर। बिकॉज ऑर्डर देखिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना भी सिस्टम में ज़रूरी होता है। मैं बिना लगाए भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी प्लेस कर देता हूँ। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को फिर कैंसिल करना, फिर इसको सेल करना मार्केट प्राइस पे, तो उतने उतने करने तक में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो खैर वो कोई बात नहीं है, ठीक है, प्राइस आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो हमने ट्रेड लिया था वो एकदम बढ़िया ट्रेड हुआ, परफेक्ट ट्रेड, हमने यहाँ पर एंट्री पकड़ी। ट्रेड में करीब करीब यहाँ पर 270 के आसपास लेना चाह रहा था, यहाँ पर एक बार प्राइस आया भी हुआ था 270 के आसपास, लेकिन फिर हम वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर जब हमें यहाँ पर मिला 290 के आसपास, तो 94 में हमने उसको बाई किया, और उसके बाद फिर 100 पॉइंट्स का मूव हमें आसानी से बैंक निफ्टी में देखने को मिल गया। हमारे अगेंस्ट में मार्केट ने 20-30 पॉइंट यहाँ पर, 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पर काम भी किया था, और हमें हमारी पोजिशन में 150 रुपीज़ के आसपास हमें लॉस भी देखने को मिला था। ठीक है, तो हमने हमने वहाँ पर वेट किया, और वेट किया तो मार्केट ने हमें यहाँ पर अच्छा खासा रिवॉर्ड दे दिया। टारगेट अच्छा मिल सकता था 70 पॉइंट के आसपास, यहाँ पर भी अगर मैं थोड़ा और वेट करता तो अच्छा टारगेट मिल सकता था, बट कोई भी बात नहीं है। अगर हम ऑर्डर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये एक बार इसको कैंसिल किया, दूसरी बार रिजेक्ट हो गया, तो इतना 10:12 पर, तो इतने तक में क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। खैर वो कोई बात नहीं है। तो 339 में हमने सेल किया, 294 में हमने इसको बाई किया था। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो 339, 34-39, यस, तो 45 पॉइंट के आसपास हमने ट्रेड में कैप्चर किया। तो हमारे जितना हमें चाहिए था उतना तो खैर ये नहीं है, 1:1 फिर भी ठीक है, 40 पॉइंट्स से थोड़ा ज़्यादा है। टारगेट तो मेरा 60 से 70 पॉइंट के आसपास ही था, लेकिन इतनी जल्दी प्राइस नीचे आया कि अब क्या कर सकते हैं।
तो फिर उसके बाद फिर मैंने एग्जिट करना भी सही समझा, बिकॉज़ यहाँ इंडेक्स में हमें 100 पॉइंट्स मिल गए थे देखने को। तो यही था आज का ट्रेड, आई होप आपको ट्रेड लेने का रीज़न भी समझ में आया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो 683 के आसपास हमारा आज प्रॉफिट रहने वाला है, 13% के आसपास हमारा रिटर्न है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलता हूँ मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।